हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्या ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ट्यूबलाइट का लॉड कैसे चेक करें कि लॉड सही है कि नहीं है। तो क्या होता है कि जो है कि हमें जब ट्यूबलाइट का लॉड बदलना पड़ता है तो उसे हमें चेक करना पड़ता है कि वो सही है कि नहीं है, या फिर जो है कि हमारा पूरा सेटअप तो ख़राब नहीं हो चुका है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पुराना लॉड हमने निकाला है और इसको हम टेस्ट करेंगे कि यह इसका लॉड जो है कि ठीक है कि नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम पुराना रॉड निकाला गया है और इसको चेक करना है। और चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे और मल्टीमीटर के उपयोग से हम इसको टेस्ट करेंगे कि किस तरीके से यह जो है कि मल्टीमीटर की सहायता से हम टेस्ट करेंगे कि यह सही है कि नहीं है। तो रॉड जो है कि कभी कभी रॉड ख़राब होता है तो पूरा सेटअप के भी दिक्कत हो जाता है, यानी पूरा सेटअप हमारा नहीं चल पाता है। रॉड की वजह से ही सब कुछ प्रकाश होता है। रॉड जब ख़राब होता है तो हम सेटअप को भी खोल देते हैं। तो पहले रॉड को चेक करना है। रॉड को चेक करने के बाद अगर आपका रॉड ठीक है तो पूरे सेटअप को नहीं बदलना है या खोलना नहीं है। तो पहले रॉड को चेक करने के लिए क्या करना है और सेटअप को चेक करने के लिए क्या करना है, तो आज हम जो है कि रॉड को चेक करके दिखाएंगे किस तरीके से आप ट्यूबलाइट रॉड को चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पुराना ट्यूबलाइट है तो इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट आ चुका है, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी पुराना ट्यूबलाइट एक्टिव है तो वो कभी कभी जो है कि ख़राब हो जाता है। तो उसको चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की सहायता लेनी पड़ेगी और मल्टीमीटर को जो है कि हमें यहाँ डायोड पे रखना होगा। जहाँ हम डायोड टेस्ट करते हैं वहाँ इसका टर्मिनल हमने कर दिया है। और यहाँ क्या होगा कि डायोड पे जब जो है कि यहाँ जो है कि आपस में यहाँ टच होगा तो यहाँ जो है कि बीप बजेगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके टर्मिनल को दोनों में अगर बीप बज रहा है तो ठीक है, अगर बीप नहीं बजेगा तो गड़बड़ी हो सकती है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं कि चेक करते वक्त आपको बहुत ही ध्यान से चेक करना है। और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ आप जब भी चेक करेंगे तो बहुत ही ध्यान से चेक करना है। और ध्यान देना कि ये जो कवर है ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, तो आप जो है कि सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल को टच करें ना कि कवर को। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बीप आ रहा है तो इधर का जो है इसका एलिमेंट सिस्टम जो है यहाँ अंदर जो है वो ठीक है, इधर का इस साइड का ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी एक साइड का ठीक होता है और दूसरी साइड का ख़राब होता है तो भी यह रॉड नहीं जल पाता है। इसमें एक ऐसी दिक्कत होती है क्योंकि जो है कि एक साइड का इसमें ठीक भी होता है तो दूसरी साइड का ख़राब होने की वजह से यह नहीं जल पाता है। तो एक साइड का हम इसको चेक कर चुके हैं और इधर का हमने चेक कर लिया है। अब हम उस साइड का दूसरी साइड का इसको चेक करेंगे। और दूसरी साइड को चेक करने के लिए यहाँ जो है कि हम इस साइड को रख देते हैं और दूसरी साइड को अब हम चेक करेंगे। और यहाँ मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें भी वही सावधानी देखनी है, बरतनी है कि ये कवर जो है तो ऐसा ना हो कि जो है कि टेस्ट करते वक्त कवर में हमारा मल्टीमीटर कुछ इस प्रकार से टच हो जाए और लॉड के चेक करने की जगह कवर से ही हम समय जो है कि हमें रीडिंग मिल जाए कि नहीं ये हमारा ट्यूबलाइट सही है। तो ध्यान देना है कि इसका टर्मिनल में टच कराना है, कवर में ना टच हो। तो यहाँ जो है कि हम टर्मिनल में टच कराएंगे और यहाँ भी हमको बीप मिल रहा है तो यह जो है कि दोनों साइड से सही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह ट्यूबलाइट रॉड जो है कि दोनों साइड से सही है। और दोनों साइड से सही होने पे भी अगर नहीं चल रहा है तो उसके बाद आपका जो है कि चोक खराब हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक चोक हो, जो भी चोक है वो खराब हो सकता है। आगे का आपको सिस्टम चेक करना होगा, या हो सकता है कि आपके ट्यूबलाइट तक लाइट का कनेक्शन न आ रहा हो, स्विच खराब हो या फिर बीच से वायर खराब हो। तो आप इस तरीके से रॉड को चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर की सहायता से रॉड को चेक किया गया है। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्या ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।